मेरे प्यारे साथियों, आज 7 मई 2020 है। आज के करंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो मेरे साथियों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए बन रहा है, द लॉन्ग मार्च 5B, ये क्या है? अंतरिक्ष रॉकेट है, चाइना ने लॉन्च किया है, निगाह कार्यक्रम क्या है, और ये किस राज्य में कार्यक्रम शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुई है, और ये कोविड-19 के मद्देनज़र जो दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में जो नागरिक प्रवास कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो उन पर निगाह रखने के लिए ये निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है। गरुण, GARUD, इसका फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। गरुण पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है? ये जो गरुण पोर्टल है, इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो भारत सरकार का है, ये लॉन्च करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय है वो क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ऑनलाइन जो शिखर सम्मेलन है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, इसका शिखर सम्मेलन का ये मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवोन फर्म ने एक अभियान शुरू किया है। इवोन फर्म ने #isolatednotalone अभियान शुरू किया है, यह घरेलू हिंसा से बचे हुए लोगों का समर्थन करने के लिए है। मीन्स ये क्वेश्चन बनता है इस तरह से, #isolatednotalone, ये अभियान शुरुआत किस लिए किया गया, या ये अभियान किससे रिलेटेड है? तो घरेलू हिंसा से बचने के लिए, लोगों का समर्थन करने हेतु। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व अस्थमा दिवस 2020 की जो विषय वस्तु है वो क्या है? एनफ अस्थमा डेथ्स। इसके बाद है सुरक्षित दादी दादा एंड नानी नाना अभियान, ये किसने शुरू किया? दादी दादा एंड नाना नानी अभियान नीति आयोग ने शुरू किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नीति आयोग का जहाँ भी मामला आ जाए तो समझ लीजिए कि वो इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान शुरुआत की। FSSAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सिडबी, सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। OECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। DRDO, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। ERDAI, इसकी स्थापना बीमा नियामक प्राधिकरण से रिलेटेड है, ठीक है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई? 2000 में, सन 2000 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है? और DRDO का सन बहुत पूछा जाता है, 1958। OECD का मुख्यालय बहुत पूछते हैं, पेरिस फ्रांस। और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, ये कब लॉन्च किया गया? 2011 में, ठीक है? 2011 में इसको लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट, DRDO बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? ये पूछ सकता है कि ये टैगलाइन किस संगठन की है, तो DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, बल का जो मूल मंत्र है वो क्या है? विज्ञान है। शक्ति का जो मूल मंत्र है वो क्या है? विज्ञान। DRDO के लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसने UV ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है।
तो एक अल्ट्रा वायलेट यूवी अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर ये विकसित किया किसने? डीआरडीओ ने, कल की वीडियो में हम बता चुके थे, डीआरडीओ ने लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट रूस ने हाल ही में आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया है, आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च हाल ही में किस देश ने किया, तो रूस ने किया। इसके बाद देखिए सिडबी और इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफार्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफार्म लॉन्च करेगा। ये जो सिडबी है जिसका मुख्यालय लखनऊ है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संगठन, इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफार्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफार्म लॉन्च करेगा ये, ठीक है। आशा कार्यकर्त्री जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करती हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, ट्रेंड होती हैं और महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। आरोग्य सेतु ऐप, ये नीति आयोग, NIC और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय मिल करके ये आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया है। नीति आयोग, NIC और इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय। इसके बाद हैं सार्फेसी एक्ट किससे रिलेटेड है? वित्तीय संस्थानों को संपत्ति की नीलामी के द्वारा ऋण वसूली के लिए 2002 में ये एक्ट लागू हुआ था और ये वित्तीय संस्थानों को संपत्ति की नीलामी के द्वारा ऋण वसूली करने का एक बिल है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, सार्फेसी किससे रिलेटेड है, ठीक है। जो डिफाल्टर कर्ज धारक हैं उनकी संपत्ति की नीलामी के द्वारा उनकी ऋण कैसे वसूली की जाए, या वित्तीय संस्थानों को उनके बेच करके ऋण वसूली की जाए, ये उससे संबंधित एक्ट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस सन में लाया गया था, यह योजना कब लॉन्च की गई थी? 19 फरवरी 2015 में, याद रखिएगा 2015 मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के सूरतगढ़ से ये स्टार्ट हुआ था और 2015 में ये लॉन्च किया गया था। वंदे भारत मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये तो सबसे आसपास के एग्जाम में ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा, वंदे भारत मिशन क्या है? तो कोविड-19 से विभिन्न देशों में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए, विभिन्न देशों में जो फंसे हुए लोग हैं उनको भारत कैसे लाया जाए, उसके लिए वंदे भारत मिशन अभियान शुरू किया गया। देखो अपना देश पहल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2020 में उड़ीसा के कोणार्क से इसकी शुरुआत हुई है और ये पर्यटन मंत्रालय की हैशटैग लाइन है, देखो अपना देश पहल, ठीक है। इसके बाद है लास्ट एट होम रिपोर्ट। लास्ट माने खो जाना, होम माने अपने घर से बिछड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन पर एक रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। COP 21, इसमें 2005 के मुकाबले 35% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, किस सन तक? 2030 तक कितने परसेंट? 35% के लगभग कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे वो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये लक्ष्य पूछते हैं डायरेक्ट कि 2030 तक कितने परसेंट कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 35%। इसके बाद है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना, इस योजना को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी कहते हैं और ये 4 मार्च 2019 से लॉन्च की गई थी, सन याद रखिए 2019 से, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसी का दूसरा नाम है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना,
और ये 2019 में लॉन्च की गई थी और 1 जून 2020 तक सभी को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, और ये उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई, क्योंकि राशन का मामला है तो उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। ये याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इस योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद देखिए, एशिया वन एक संस्थान है, उसने सैनिक घोड़ावत जो एमडी हैं स्टार एयर के, उनको 40 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से घोषित किया गया है। हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 40 सबसे प्रभावशाली जो एशियाई व्यक्ति हैं उनमें से किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो सैनिक घोड़ावत, ठीक है, ये एमडी अध्यक्ष हैं स्टार एयर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों सामने आ रहा है क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, किसको, अधीर रंजन चौधरी को, उनकी नियुक्ति लोकसभा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बता भी चुके थे कि लोक लेखा जो समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी मंत्री जो होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, केवल अध्यक्ष कौन बनेगा, जो इनके सदस्य हैं, 22 सदस्य हैं। ठीक है, पाकिस्तानी वायुसेना का भारतीय हिंदू पायलट बना है हाल ही में, राहुल देव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, तरुण बजाज, उनको निदेशक को नामित किया गया है, तरुण बजाज को, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये तरुण बजाज को किस क्षेत्र में नामित किया गया, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में। लक्ष्य क्या है, गुरुग्राम हरियाणा के स्टार्टअप ने, हरियाणा में है ना गुरुग्राम, वहाँ के स्टार्टअप ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए एक डिवाइस विकसित किया है, ये हाथ में लगाए रहना है, और ये जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग को आप फॉलो नहीं करेंगे तुरंत वो डिवाइस आपको बता देगी, ठीक है, आपकी रक्षा करेगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कम कर रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाएंगे, उससे रिलेटेड है ये। इसके बाद है अनुच्छेद तीन में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन में क्या वर्णन है, राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार किसको है, संसद को है, अनुच्छेद तीन में कहा गया है। तो कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसको है, संसद को है। राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है और प्रतिज्ञान का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में वर्णन है, किस अनुच्छेद में वर्णन है, शपथ का 60 में। तीसरी अनुसूची है वहाँ पर शपथ का जो वर्णन है और बाकी लोगों को है, लेकिन राष्ट्रपति को वहाँ पर शपथ का प्रावधान, जो शपथ का जो प्रारूप है वो वहाँ पर वर्णित नहीं है, अनुच्छेद 60 में वर्णित है, राष्ट्रपति, केवल एक राष्ट्रपति के लिए, याद रखिएगा। 5276819982 ये क्या है, एक ये क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के नज़दीक से हाल ही में गुजरा है, ठीक है। इटैलियन परियोजना, अब तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इटैलियन परियोजना ये एक जल विद्युत परियोजना है, ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग पर शुरू की गई है, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है दिबांग नदी पर, इटैलियन परियोजना, और ये एक प्रकार की जल विद्युत परियोजना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार 2020 ये किस क्षेत्र में दिया गया है, वन क्षेत्र के में वृद्धि के लिए, ये जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रेडिक्टिव ग्रोथ के लिए किनको दिया गया है, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग और रिचर्ड एच बारिंग और निकोलस सी क्रूप्स, इनको दिया गया है, लैंड्सबर्ग, वारिंग और क्रूप्स को वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वन क्षेत्र से रिलेटेड है ना, तो ये डायरेक्ट ये पूछेगा कि मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है, तो वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए दिया जाता है।
कौन कौन किसको किसको दिया गया, लैंड्सबर्ग, वारिंग और क्रूप्स। ठीक है, इसके बाद देखिए आज के लिए इतना ही करंट है दोस्तों, और अगर आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट करते चलें। ठीक है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, तो मैं आपको ये भी सुविधा आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।